यास भाई, हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। आज हम लोग फिर से अपने वी के मैथा वाले बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, ये है सेल। तो हम लोगों ने सेल का वर्किंग प्रिंसिपल ऑलरेडी समझ लिया है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया भाई, या फिर इसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोल रहे थे। और ये जो गैल्वेनिक सेल है, ओवरऑल अगर एक रिवीजन डलवा दूं यहाँ पे, तो अभी जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर भाई सबसे पहला चीज क्या समझा था कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे हम लोग को बैटरी यूज करना पड़ रहा था, है ना, यानी यहाँ पे हम लोग को एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ रहा था, तब जा करके आपका एक तरीके से केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा था। या फिर आप इसको कहेंगे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने दिया है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा था, केमिकल कंपाउंड को तोड़ रहा था, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। सही बात है, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे एक ओवरऑल रिवीजन डालें तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर भाई हम लोग का दो इलेक्ट्रोड था, एक एनोड और एक आपका कैथोड। तो यहाँ पे एनोड को हम लोग हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे थे, उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे थे। ये आपका पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव था। और आपको यहाँ पे हमेशा पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर फिल किया हुआ था, यानी डिप किया हुआ था। हम लोगों ने जब गैल्वेनिक सेल स्टडी किया था तो वहाँ पे क्या था भाई, जो एनोड होता था, एनोड जो होता था, इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। मतलब फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें या फिर गैल्वेनिक सेल की बात करें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। और अगर कैथोड को देखें हम लोग यहाँ पे, तो कैथोड पे भी एक तरीके से रिडक्शन ही होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था भाई कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर डुबा रहे थे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था और उसके चलते यहाँ पे कुछ वोल्टेज बन रहा था। जैसे मान लेते हैं इसका 2 वोल्ट है, तो हमेशा जो एनोड पे यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे थे, हमेशा क्या होगा, 2 वोल्ट से कम होगा। मान लेते हैं 1 वोल्ट ही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, ये मेरा पॉजिटिव तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोगों ने इस तरीके से सर्किट कनेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ से कैथोड से हम लोग का हमेशा करंट फ्लो हो रहा था, है ना, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, पॉजिटिव कंसिडर किया गया। समझते क्या, इसका जो पोटेंशियल होगा ये ज़्यादा होगा, तो करंट कैसे फ्लो होता, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट हम लोग का कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा था। और वही अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा था। आई होप कि आपका ये पूरा पूरा रिविजन हो गया होगा। आज हम लोग फिर से सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब के ऊपर फोकस नहीं करेंगे भाई। आज हम लोग का स्टार्ट होगा लीड एसिड सेल के बारे में, ओके, या फिर इसी को हम लोग लेड एसिड सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, सेल होता क्या है। तो यहाँ पे ये जो वी के मेहता बुक है, देखिए इसने कितना ज़्यादा शॉर्टकट अपनाया है, इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के केमिकल को ब्रेक डाउन कर रहे थे। तो बोलता है वी हैव सीन दैट व्हेन करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने दिया है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब आगे बोलता है द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये जो लाइन बोल दिया, ये वोल्टेइक सेल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर आप मशीन में आकर के, हम लोग डीसी मशीन की बात करें भाई, तो डीसी मशीन लग गया, इसका मतलब क्या कि आपका एक ही मशीन है, कंस्ट्रक्शन पूरा सेम है, सब चीज़ सेम है, आप उस मशीन को एज अ डीसी मोटर की तरफ यूज़ कर सकते हैं और डीसी जनरेटर की तरफ यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किस पे आपको फोकस करना है, इनपुट आप क्या दे रहे हैं। अगर आप इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं,
तो वो आपको एक तरीके से आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देगा, और वही अगर आप इनपुट मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा एक तरीके से। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखें क्या बोल रहा है, सेल का डेफिनेशन दिया हुआ, अ सेल इज अ सोर्स ऑफ एन EMF इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सीधा सा लाइन लिखा हुआ है, क्या है सेल, एक सोर्स EMF का सोर्स है, और उसके अंदर हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आगे बोलता है अ सेल इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू मेटल्स प्लेट, ऑलरेडी हम लोग मेटल प्लेट्स को हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे थे, ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जैसे हम लोगों ने डैनियल सेल की बात की थी, इधर मेरा जिंक था इधर मेरा कॉपर था, है ना, और दो डिफरेंट मटेरियल ही क्यों यूज कर रहे थे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पूरा चार्ट पढ़ा था। ओके तो वो सब का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये जो हम लोगों ने टू डिफरेंट मटेरियल का जो इलेक्ट्रोड बनाया, इसको क्या किया होता, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड या फिर कहिए डिप किया होता, डुबाया हुआ था। आगे बोलता है द प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, उन प्लेट्स को इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, और जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आगे बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था भाई, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, जिंक लिया है, कॉपर लिया, आयरन लिया है ना, क्योंकि सबका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था अलग अलग था। आगे क्या है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, डाइल्यूट लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, मोल्टन लिया है, सब पे डिपेंड करेगा। ओके आगे बोलता है टाइप्स ऑफ सेल, तो यहाँ पे दो तरीके का सेल है, एक हो गया प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल उस सेल को बोलते हैं जो रिचार्ज ना हो, दोबारा हम लोग उसको उस केमिकल प्रोसेस को रिवर्स ना कर सके, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको हम लोग रिचार्ज कर सके। ओके तो देखिए क्या बोल रहा है, प्राइमरी सेल क्या है, अ सेल इन विच केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेल, एग्जाम्पल के रूप में वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, ठीक है, ड्राई सेल ETC, एज अ प्राइमरी सेल डिलीवर करंट, ठीक है, करंट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, फिर कहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, हम लोगों ने देखा था भाई गैल्वेनिक सेल में, है ना, कि एनोड साइड में जो जिंक लिया था वो जिंक क्या हो रहा था, आपके सॉल्यूशन में उतर रहा था Zn++ आयोन्स के रूप में, है ना, यानी जिंक जो है आपका गल रहा था, है ना, और वो पूरा का पूरा जो जिंक सॉल्यूशन में उतरा है, या फिर ऐसे सीधे सीधे कहेंगे भाई, जिंक जो है आपका गल रहा था और इधर जो है आपका एनोड पे जाकर के वो चिपक रहा था, ठीक है, एक गलता है एक मोटा होता जाता, तो वही है। When the active material are nearly consumed, जब आपका एक पूरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, the cell stop delivering current, सही बात है। In order to renew the cell, अगर फिर से renew करना है तो फिर से जो आपका एक्टिव मटेरियल खत्म, एक्टिव मटेरियल कहने मतलब क्या, इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था दो तरीके का होता है, एक इनर्ट हो गया और एक आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है भाई, जो खुद सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए, एक तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले। तो वही है कि एक बार एक्टिव मटेरियल खत्म हो गया तो सेल एक तरीके से काम करना बंद कर देगा, अगर आप फिर से इसको रिन्यू करना चाहते हो तो फिर से आपको एक नया एक्टिव मटेरियल इसमें डालना पड़ेगा। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या बोलता है, इज दैट इट कैन नॉट प्रोवाइड लार्ज एंड स्टेडी करंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सही बात है भाई, ज़्यादा देर तक थोड़ी ना चलेगा, तुरंत आपका जैसे आप रिमोट वाला बैटरी ले लीजिए या फिर कहिए जो खिलौने ऐसे में हम लोग लगाते हैं भाई, क्या होता है तुरंत ख़त्म हो जाता है ना लंबे समय, वही अगर आप जैसे रिचार्जेबल बैटरी की बात है, जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर में जो आपका लेड एसिड बैटरी यूज़ होता है भाई, वो 5 साल चलता है, 3 साल चलता है, सोच रहे हैं उसका लाइफ बहुत लंबा होता है, ये सब क्या 10 दिन में खत्म हो जाएगा। दिस फैक्ट्स मेक द प्राइमरी सेल रेदर एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी काफ़ी महंगा पड़ेगा। आगे बोलता है ड्यू टू दिस ड्रॉबैक द यूज ऑफ प्राइमरी सेल इज लिमिटेड टू टॉर्च बैटरी, यानी इसको लेस पावर वाले एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। टॉर्च बैटरी भाई, टॉर्च में कितने वॉट का बल्ब लगा होगा, बहुत कम का है ना, या फिर रेडियो हो गया है ना, ये सब काफ़ी कम पावर का एक तरीके से एप्लीएंस है। आगे बोलता है लैब में भी यूज़ करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट ये सब के लिए। आगे पढ़ता है हम लोग के लिए यहाँ पे मेन सेकेंडरी सेल है, तो सेकेंडरी सेल का क्या डेफिनेशन बोलता है, अ सेल इन विच केमिकल रिएक्शन या फिर कहिए केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल क्यों बोलते हैं अभी हम लोग बात करेंगे इस पर। बोलता है सेकेंडरी सेल ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द प्राइमरी सेल बट डिफर्स इन द मैथड इन विच इट मे बी रीन्यूड, जैसे हम लोगों ने देखा प्राइमरी सेल क्या हो रहा था, उसका जो इलेक्ट्रोड था वही एक तरीके से ख़त्म हो जा रहा था भाई, गल जा रहा था है ना, लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फिर से जो केमिकल रिएक्शन के चलते यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ है
आपके प्लेट्स में यानी इलेक्ट्रोड में, उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं। ओके, बोलता है इन अ सेकेंडरी सेल देयर इज नो एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ एनी प्लेट्स, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन नहीं होता है, एंड दैट द केमिकल प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और जो केमिकल प्रोसेस को भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आपको बताता हूँ भाई, जैसे हम लोग के घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पावर खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया इसका मतलब क्या, उसके अंदर केमिकल एनर्जी हो, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन हम लोग को आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, सही बात है। अब जैसे मान लेते पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो जैसे ही पावर आएगा आपके घर में तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी फिर से वो जो केमिकल रिएक्शन था उसको फिर से रीस्टोर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि पहले स्टार्टिंग में ये एक तरीके से एक सेल की तरह काम करेगा, और सेकंड केस में जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके इसको फिर से रिचार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में ही क्या कर रहे थे हम लोग, पावर दे करके फिर से अंदर में केमिकल रिएक्शन को एक तरीके से हैपन करवा पा रहे थे, वही लिखा हुआ है। ओके, आगे पढ़ते हैं, व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग करंट दैट इज डिस्चार्जिंग, जब ये करंट डिलीवर करेगा उसको हम लोग डिस्चार्जिंग बोलते हैं, द केमिकल एक्शन चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द प्लेट, अभी हम लोग बात करेंगे रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे भाई। व्हेन द सेल इज एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो जाएगा, द केमिकल एक्शन कैन बी रिवर्स, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कैसे, बाय पासिंग द करंट थ्रू द सेल इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर प्रोवाइड करेगा, फिर हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग, इन अदर वर्ड चार्जिंग प्रोसेस रिवर्सेस द केमिकल, यानी चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो उसको फिर से हम लोग रिवर्स कर देते हैं, एंड इनेबल द प्लेट टू एक्वायर द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, और प्लेट फिर से क्या होता है, ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर है ना, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी और स्टोरेज सेल, द मोर कॉमन वन, जो कॉमन है भाई, सबसे ज़्यादा लीड एसिड सेल है, इसको पहले पढ़ेंगे, फिर एडिशन सेल को पढ़ेंगे, फिर निकल कैडमियम एल्कलाइन सेल को, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के सेशन में लीड एसिड सेल, इसको हम लोग आज खत्म कर लेंगे भाई। काम कैसे करता है, चार्जिंग के दौरान क्या केमिकल रिएक्शन होता है उस पर खत्म, उस पर बात करेंगे, डिस्चार्जिंग यानी जब पावर सप्लाई कर रहा है उसमें एक तरीके से केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजिंग होता है उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट में डाला, उसको स्टोरेज सेल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, लिखा हुआ है व्हेन अ सेकेंडरी सेल इज चार्ज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दे करके, है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच स्टोर्ड इन द सेल, यानी वो केमिकल एनर्जी क्या हो जा रहा है, सेल में स्टोर्ड हो जा रहा है। व्हेन द सेल डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज कहने का मतलब क्या, जब हम लोग इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं वापस, ठीक है, डिस्चार्ज द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर दिस रीजन अ सेकेंडरी सेल इज समटाइम्स कॉल्ड अ स्टोरेज सेल, ठीक है। स्टोरेज सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केमिकल एनर्जी को एक तरीके से क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है लीड एसिड सेल। ओके, तो लीड एसिड सेल का यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन बताया गया भाई, कंस्ट्रक्शन में इसने क्या बोला है, ये सबसे पहले इनएक्सपेंसिव होता है, इनएक्सपेंसिव क्यों होता है, तो लेड में भी सस्ता पड़ता होगा, ठीक है भाई, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, क्योंकि भाई लेड क्या है, एक तरीके से एक एलिमेंट है जो हम लोगों ने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, निकाला हुआ है। ओके, और ज़्यादातर यूज़ होता है कॉमर्शियल पर्पज़ में, कॉमर्शियल कहने मतलब क्या, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, डोमेस्टिक हो गया। ओके, बोलता लीड एसिड सेल व्हेन रेडी फॉर यूज़, इसमें दो प्लेट होंगे, वही है कंस्ट्रक्शन भाई, वही है जो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें दो प्लेट होंगे और दो प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, दो प्लेट मतलब एनोड और कैथोड की बात हो रही है, और दोनों क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ होगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया भाई, कि इसमें जो है पानी होगा, H2O होगा प्लस H2SO4 होगा, लेकिन डाइल्यूट लग गया, इसका मतलब क्या, पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, ऐसे एक्चुअल में ही आपका 60% होता है, ठीक है, एक्चुअल में अगर बताऊँ तो ये 38% होता है। ओके, और बाकी जो बच गया आपका ये पानी होता है, ठीक है, यानी पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, H2SO4 का मात्रा कम होता है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, दोनों एनोड का थोड़ा आपका डूबा हुआ रहेगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है, इस पर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैटरी है ये चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है, ये हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही मेज़र करके एक तरीके से पता करते हैं। अब देखिए आगे क्या बोलता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई, द पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है, अभी जो मैं आपको समझाऊंगा डाटा एकदम गलत दिया हुआ है। पॉजिटिव प्लेट को कभी भी एनोड नहीं बोलते हैं, एनोड हमेशा नेगेटिव होता है सेल के केस में, ठीक है। तो ये बुक भाई, क्योंकि
इंजीनियरिंग का पढ़ रहा है तो एरर होगा, ये कॉमन सी बात है, आपका ये स्पेशल केमिस्ट्री का बुक नहीं चल रहा, ठीक है। तो जो मेरा पॉजिटिव प्लेट होगा, ओके, इस पर भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे ये पॉजिटिव बोल रहा है, उसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए मतलब रिएक्शन ओवरऑल दोनों का सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, जो एनोड है मेरा, इस एनोड को इसने पॉजिटिव कंसिडर किया है, और एनोड किसका बना हुआ है, लेड ऑक्साइड का, ठीक है। लेड ऑक्साइड को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं PbO2, ठीक है। लेड का सिंबल होता है Pb, ओके। आगे बोलता है, इसका कलर भी दिया हुआ है, इसका कलर कैसा होगा, तो बोलता है चॉकलेट ब्राउन कलर। और जो नेगेटिव प्लेट है, जिसको ये कैथोड बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई ये किस चीज़ का होगा, प्योर लेड का होगा, ठीक है, प्योर लेड का बना हुआ है। और इसका कलर कैसा होता है, तो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। एक है चॉकलेट ब्राउन कलर और दूसरा क्या है, ग्रे कलर, ओके। आगे बोलता है, व्हेन द सेल सप्लाई करंट टू द लोड, यानी डिस्चार्ज हो रहा है, केमिकल एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अभी कैसे होता है इसमें बात करेंगे, पूरा केमिकल एक्शन थ्योरी में दिया हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है इस पर बात करते हैं भाई। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को भाई अगर आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे आप लिखिएगा व्हाट इज स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ओके, रिलेटिव डेंसिटी। और इसका फार्मूला होता है, ऊपर में आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर को रेफरेंस लेकर के हम लोग दूसरे सब्सटेंस को कंपेयर करते हैं। अभी जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा गूगल करके ही दिखा देता हूँ, ओके, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, एक मिनट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए इमेजेस में आ जाता है, ये है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी, ठीक है, इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब भी रिलेटिव हो गया समझेगा, कंपेयर किया जाएगा भाई, ओके। तो ओवरऑल देखिए क्या फार्मूला है, इज दैट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ऊपर में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सब्सटेंस हो गया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, क्लियर हो गया। और डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वॉल्यूम में, एक तरीके से जैसे मान लेते हैं हम लोग, इसको अगर मैं समझाऊं भाई, देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इस तरीके का क्यूबॉइड, ओके, या फिर कहिए क्यूब है, ये मान लेते हैं ये वाला जो बेस है इसका, जिसको हम लोग ब्रेथ बोलेंगे, ये 1 मीटर है, ये वाला भी मान लेते हैं भाई 1 मीटर है, और इसका हाइट भी एक तरीके से 1 मीटर है, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। और इस वॉल्यूम के अंदर पूरा का पूरा जब आप पानी भर देंगे, मान लेते हैं पूरा का पूरा मैंने पानी भर दिया ऊपर से लेके नीचे तक, तो इस पानी का जो वेट आएगा, जो वजन आएगा, ये होता है 1000 kg, क्लियर हुआ। अगर आपने पावर सिस्टम में जो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ते हैं भाई, उसमें रिजर्वायर ये सब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं। 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा, तो पानी का जो आपका वेट आएगा ओवरऑल कितना होता है, 1000 kg होता है, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल यही सेम, इसी तरीके से आप समझिए भाई कि मेरे पास एक और कंटेनर है इसी तरीके का, ओके, और ये भी क्या है, ये भी इसका वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब, है ना। तो इसमें अगर आप मान लेते हैं कुछ और चीज रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग इसमें पेट्रोल रखते हैं या फिर कहीं डीजल रख देते हैं, तो इसका भाई सेम वॉल्यूम तो सेम है, यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है। रिलेटिव मतलब क्या, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मींस वॉल्यूम को सेम रखेंगे, लेकिन इसका जो वेट होगा ये अलग होगा, हो सकता है पानी से ज़्यादा हो या फिर कहिए पानी से कम हो, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला देखा है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव, यहाँ पे भाई रिलेटिव ग्रेविटी होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव ग्रेविटी जो है भाई, ओके, ये क्या होगा, नीचे में पानी, तो भाई ये डिनोमिनेटर है, ऊपर में मेरा सब्सटेंस, तो मान लेते हैं सब्सटेंस का, जैसे ये 1000 kg है, ओके, और ये सब्सटेंस मान लेते हैं डीजल है
है ना, तो हो सकता है 1000 केस ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, इसका मतलब क्या जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन वन आएगा। वही अगर आपका सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा इससे कम हो जाएगा तो क्या आपका लेस देन वन आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल समझिए, अभी और भी हम लोग इस पर बात करेंगे, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं भाई, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये पानी है और ये आयरन है, तो सीधी सी बात है अगर हम लोग मान लेते हैं भाई, वैसे भी देखिए ना जो डेंसिटी होगा आयरन का वो पानी के मुकाबले ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो गया आपका आयरन डूब गया यहाँ पे। वही आइस देखिए, आइस क्या है एक तरीके से पानी में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया वन के बराबर है ना, और वही अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन वन होगा तो क्या हो जाएगा ये ऊपर ऊपर तैरेगा आपका, समझे। तो यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वन विल श्रिंक इन वाटर और लेस होगा, मतलब क्या पानी से ये हल्का है लकड़ी है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा तैरेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने इंजीनियरिंग पे आते हैं भाई, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास क्या है भाई, इस तरीके का आप इमेजिन कीजिए कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, यानी इसमें पानी भी है प्लस H2SO4 भी है, तो पानी का मात्रा मेरा ज़्यादा है यहाँ पे 60% और बाकी जो होगा ये 40%। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ पानी की अगर बात करें, आगे कुछ नहीं छुपा हुआ, तो 1 मोल है, इसके भी आगे कुछ नहीं छुपा हुआ 1 मोल है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर क्या है 1 मोल ऑफ H2 यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक निकालना चाहते हैं, 1 मोल का कितना आएगा, तो मान लेते हैं ये H2O है भाई, तो इसका अगर मैं एटॉमिक मतलब एटॉमिक वेट निकालूं, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स का मास निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 मोल कंसिडर किया है, तो 2 हाइड्रोजन 2 × H, H किसका है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आप निकालेंगे तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है और ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा भाई, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा भाई, एक और कॉपी कहाँ गया, नहीं है, इसका भाई 1.0 समथिंग आएगा, एक मिनट मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, हाइड्रोजन इसमें प्रोटोन ही है ना सिर्फ, हाइड्रोजन एटॉमिक मास देखिए ये आएगा आपका 1. थोड़ा मिटा देते हैं, ये आएगा 1.00784, ये हाइड्रोजन हो गया प्लस एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर आप निकालें तो 5.999 आता है, ओके, और ये 1 मोल लिया, इसका मतलब क्या 1 मोल ऑफ क्या है H2 है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, इसको अगर आप भाई ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ऐड करके बता देता हूँ, ये तो ओवरऑल मान के चलिए 2 आएगा, ये 15 नहीं, एक मिनट, 2 × 1.00784 प्लस आपका 15.99, ये आ जाएगा 18.00568 ग्राम, मतलब पानी का अगर आपने 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है तो उसका वजन इतना आएगा। वही अगर आप यहाँ पे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 एक मोल लेकर के चल रहा है भाई, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2SO4, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या करना पड़ेगा, मोलर वेट यानी 1.00784 प्लस सल्फर है, तो सल्फर का साथ 32 point something होता है, एक मिनट सल्फर का निकाल देता हूँ एटॉमिक मास कितना होता है, ये हो गया 32, ये एक ही सल्फर है तो डायरेक्ट लिख देंगे 32.065 प्लस आपका बचा SO4 है भाई, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का 4 है, नहीं 4 × 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 15.999 होता है। अब खुद सोचिए भाई, इनको जोड़ने पे इतना आ रहा है, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ऐसे ही 32 हो गया अकेले सल्फर ही 32 ग्राम हो गया, उसका भी 15 ऐसा सा 4 है ना, तो सोचिए ये बहुत भारी आएगा, इसका जो वजन आएगा इसके मुकाबले ज़्यादा आएगा, बता देता हूँ कितना आएगा ओवरऑल, कैलकुलेशन किया होगा, एक मिनट देख लेता हूँ, 91.8 ओह ठीक है ठीक है, ओके ओके
पेशेंस रखा करो, ठीक है, क्लास चल रहा है, कोई नहीं, इसको कर लेता भाई, ठीक है, उसका 91 पॉइंट समझो जो भी आएगा भाई, ठीक है, ये पानी से इसका ज़्यादा वेट आएगा, ओके। तो अगर आप इसका डेंसिटी निकालेंगे यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वाटर नीचे में आपका इतना आ जाएगा 568 और ऊपर में आ जाएगा 90 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आएगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, ठीक है, यानी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा इतना आएगा आपका। और कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसमें आपका ये भी मैटर कर जाएगा, क्योंकि ये 60% है और ये 40%, लेकिन भाई हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया ना 1 मोल के लिए, तो ये ओवरऑल भारी आ रहा है, मतलब ये हल्का आ रहा है एज कम्पेयर टू उससे, तो इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा है ना मात्रा में, फिर भी अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे फिर भी क्या होगा, ये भारी आएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ओके। इसका मतलब क्या है कि सल्फर यानी H2SO4 क्या है, पानी से भारी, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे जो मिस्टेक किया गया, एक्चुअल में मिस्टेक नहीं है लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे अब एक सिंपल सा लीड एसिड सेल बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो एक ही कंटेनर में डाल देता हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, एक ही कंटेनर में डाल देते भाई, ये मान लेते आपका एनोड हो गया और ये आपका मान लेते कैथोड हो गया, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओके। ये मेरा एनोड, अब मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ भाई, ठीक है, अपने हिसाब से समझा रहा हूँ और ध्यान समझिएगा, जो एनोड होगा, एनोड को मैंने यहाँ पे लिया है प्योर लेड, ठीक है, और एनोड क्योंकि यहाँ पे मेरा नेगेटिव होता है, और जो कैथोड है मेरा, इधर लिखता हूँ कैथोड, ये है मेरा लेड ऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, हाइयर पोटेंशियल। तो ओवरऑल देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें पानी है, H2O है प्लस H2SO4 है, तो भाई ये पानी का मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लोगों ने पानी का भी क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, यानी पानी को भी ब्रेक डाउन किया था, तो पानी वहाँ पे क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, क्योंकि बाहर से बैटरी लगाया हुआ था, और इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग कर रहे थे पानी का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो रहा था पानी का भाई, तो आप बताया था कि ये जो H2O है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर आपको याद करवाऊँ तो कुछ इस तरीके का था, ये दो इलेक्ट्रोड है और ये पूरा पूरा पानी में डूबा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बैटरी जोड़ रखा था, मतलब क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका पानी का मॉलिक्यूल्स है एक तरीके से, और आप देख रहे हैं कि इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव प्लस H प्लस, यानी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका मतलब क्या हुआ, OH एक तरीके से इसके पास आना चाहेगा और ये OH नेगेटिव इस पे आना चाहेगा, तो इस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा था भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो H2O है, जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी नहीं लगाया हुआ है, समझ में आया, इस चीज़ को समझिए आप। तो ओवरऑल जब हम लोग के पास ये H2SO4 है, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, नमक को, नॉर्मल साल्ट को अगर आप पानी में डालेंगे तो वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कम हो चुका था, तो यहाँ पे वही होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे ये 2H प्लस के आयन्स में टूटेगा और SO4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में टूटेगा, ये 2H है, समझ में आया, इसका मतलब क्या है, H प्लस है, ठीक है, और इसके ऊपर 2- है, इसका मतलब दोनों मिल करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस सब पे हम लोगों ने बहुत सारा बात किया भाई केमिस्ट्री के ऊपर, तो अभी यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, 2H प्लस के आयोन्स और SO4- के आयोन्स, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग एनोड के साइड देख रहे हैं, एनोड साइड का रिएक्शन लिखते हैं भाई, तो एनोड पे क्या होता है आपका, हमेशा ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो ओवरऑल ये जो लेड है, लेड क्या है मेरा, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये लेड है, तो लेड क्या है, सॉलिड है, और ये क्या होगा, ये बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमेशा, ठीक है, इसका आप वैलेंसी देखिएगा तो दो आएगा आपका, और ये भी वेरिएबल वैलेंसी होता है भाई, कभी दो कभी चार होता है, तो ये सॉलिड था, ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाएगा क्या, एक तरीके से लेड का आयन, यानी Pb++। तो ओवरऑल नेगेटिव साइन में लिखते नहीं हम लोग केमिस्ट्री में, तो इसको हम लोग लिखेंगे, लेड जो कि सॉलिड था, ये एक तरीके से लेड का आयन्स बन गया, आयन्स बन गया, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा, यानी एक्वस बन जाएगा, और कैसे बन रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लूज करके। अब देखिए भाई, ये जो सॉल्यूशन में उतरा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, फिर इसको रहने देते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं भाई। देखिए ये जो सॉल्यूशन में उतरा है भाई आपका,
एक लेड का एटम यहाँ से टूट करके Pb++। तो भाई यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इसके अंदर SO4 नेगेटिव आयंस भी तो है, तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर दो नेगेटिव, दोनों आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, ये जो आपका एक्वस में आया है लेड का आयंस, ये क्या करेगा, ये SO4 के आयंस के साथ जो कि ये भी एक्वस था, ये जुड़ करके ये बन जाएगा आपका लेड सल्फेट यानी PbSO4, और PbSO4 क्योंकि न्यूट्रल है नहीं, ये सॉलिड बन जाएगा। समझ में आया, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, एनोड के साइड का पूरा केमिकल रिएक्शन हो गया, और क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने आप जा करके, यहाँ पे मेरा कैथोड है, ये क्या है PbO2 यानी लेड ऑक्साइड का है, तो हम लोग कैथोड की बात करते हैं। और इसको भाई सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो आपका लेड ऑक्साइड है ना, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का भूखा है, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन को खींचने का इसके पास ताकत ज़्यादा है, ओके, इसलिए क्या कर रहा है, इसको ज़बरदस्ती खींच ले रहा है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती खींच ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये बहुत ही अच्छा है, फिर कहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि भाई इसे खींच रहा है, इसका मतलब क्या, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, समझे। हम लोगों ने टेबल के ऊपर ऑलरेडी बात किया था, टेबल में मैंने आपको समझाया था भाई। अब हम लोग कैथोड के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं भाई। अगर हम लोग यहाँ पे कैथोड का रिएक्शन देखें तो कैथोड मेरा पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा, ये जो मेरा लेड ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है, इलेक्ट्रोड इसका हिस्सा है, ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो आया हुआ है, तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन ये लेगा ही लेगा, साथ ही साथ ये इस सॉल्यूशन के अंदर देखिए SO4 नेगेटिव के आयंस और H+ के आयंस है ना, समझ रहे, ऐसे ऐसे ये तैर रहे हैं इसमें एक तरीके से, तो दो इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, साथ ही साथ क्या करेगा, इस सॉल्यूशन से चार H+ के आयंस उठा लेगा ये, ठीक है। अब चार H+ के आयंस को लेकर के क्या करेगा, सबसे पहले समझिए, हम लोग के पास भाई ये है चार हाइड्रोजन के आयंस और यहाँ पे दो ऑक्सीजन बैठा हुआ है, तो अगर मैं आपको पानी का थोड़ा सा बताऊँ, H2O कैसे था ये जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन का वैलेंसी दो था यानी दो नेगेटिव आ जाएगा और ये आपका H+, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यानी दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव, दोनों आपस में जुड़कर कैसा बना हुआ था, H2O बना हुआ था, क्लियर हुआ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेरे पास चार हाइड्रोजन के आयंस हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ, इसको ठीक है PbO2, तो भाई ये न्यूट्रल है, अभी साथ में जुड़ा हुआ न्यूट्रल है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लूँ, ये जो O2 है, O2 को अगर मैं खींच लूँगा ना, तो O2 क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव, यहाँ से दो ऑक्सीजन खींच रहा हूँ मैं, दो ऑक्सीजन कहने पर इसके ऊपर दो नेगेटिव और इसके ऊपर दो नेगेटिव है ना, तो ओवरऑल दोनों को अगर मर्ज करेंगे, O2 अगर खींच रहा हूँ तो इसके ऊपर टोटल कितना आ रहा है, -4 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ से अगर खींच लूँगा मैं ऐसे, देखिए ये जो PbO2 जुड़ा हुआ है ना, इसको ऐसे समझिए, ये PB के ऊपर मैंने वो बताया ना, चार इलेक्ट्रॉन भी त्यागेगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन भी त्यागेगा ये, ठीक है, और ये O2 है, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये दोनों क्या हो रखा है, एक तो आयोनिक बॉन्डिंग है, पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4, तो आपस में जुड़ कर क्या बना हुआ है, PbO2 बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लूँगा, ठीक है ऑक्सीजन निकाल लूँगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, -4 था, और इसके ऊपर बचेगा कितना, ये प्लस चार्ज बचेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल समझिए भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन खींच रहा हूँ, तो ऑक्सीजन यहाँ से जो मैंने खींचा, इसको ऐसे दिखाता हूँ, सेपरेट करके O2 निकाला मैंने यहाँ से, O2, तो O2 को मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास चार H+ के आयंस, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H+ तो ये दो H+ के आयंस मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये दो नेगेटिव और ये दो पॉजिटिव, तो बन के क्या बनेगा, ये बन जाएगा H2O, और ये वाला जो दो बचा हुआ है H+, इसको दे दे रहा हूँ मैं H+ और ये H+, तो ओवरऑल ये भी क्या बन जाएगा, H2O, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए, ये जो ऊपर में हम लोगों ने रिएक्शन लिखा है, इसमें से क्या होगा, ये O2 और ये आपका 4H+ आयंस, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, यानी 2H2O बनाएगा, समझे। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, PbO2 जो कि मेरा सॉलिड था, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास और दो सॉरी चार H+ आयंस थे,
इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से O2 और ये 4H मिलकर क्या बन जाएगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लिया मैंने, ऑक्सीजन मैंने यहाँ से निकाल लिया भाई। ओके, इसको नेक्स्ट स्टेप में ही लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। जब यहाँ से मैंने ऑक्सीजन निकाल लिया तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ चार पॉजिटिव पावर बचेगा, है ना, समझे। तो ओवरऑल देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया यानी पी वी के पास क्या बचा, प्लस प्लस, सॉरी फोर प्लस बचेंगे, फोर प्लस चार्ज, और यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन है, और इधर आपका क्या हो गया, टू एच टू ओ बना हुआ है। तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ मैं, ये देखें चार पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो दो नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई। इसको दो अगर आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ दो प्लस चार्ज बचेंगे, समझे। इसे तो समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, सो अगर दो इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, पहले इसके पास क्या था, चार एक्स्ट्रा चार्ज था, मतलब चार एक्स्ट्रा चार्ज ऐसे दिखा दे रहा हूँ, दो नेगेटिव चार्ज आपने दे दिया यहाँ से ला करके, दो नेगेटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव नहीं थी क्या, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लस चार्ज बचेंगे ना पी वी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका पी वी यानी लेड के ऊपर दो प्लस रहेंगे। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं फाइनल रिएक्शन लिखूँ भाई, फाइनल रिएक्शन अगर लिखूँ, देखें ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, लेकिन आप समझिए, आप समझ में आ जाए। पी वी ओ टू जो कि सॉलिड था, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए, एनोड ने इसको भेजा है कैथोड के पास, और ये सॉल्यूशन से 4H आयन्स ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये वाला और ये वाला यहाँ से टूट करके, दोनों आपस में मिल करके यहाँ पे 2H2 यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता, तो लिक्विड लगा देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर कितना बचा पावर, इसके ऊपर बचा चार प्लस और ये दो नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इन दोनों ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे पी वी प्लस प्लस जो कि एक्वस बन जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि आयन्स है, समझ में आया। तो ओवरऑल अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आ गया, पानी के अंदर आ चुका है, तो ये फिर क्या होगा, पी वी प्लस प्लस जो कि एक्वस था, और सॉल्यूशन के अंदर क्या है मेरा, एसओ फोर के भी आयन्स है ना, तो ये क्या करेगा, एसओ फोर के साथ मिल करके ये बन जाएगा आपका पी वी एसओ फोर, पी वी एसओ फोर लेड सल्फेट। ओके, ये भी आपका सॉलिड, तो ये हो गया आपका एक तरीके से कैथोड साइड का पूरा रिएक्शन, और ये क्योंकि सॉलिड है तो ये क्या करता है भाई, अब पहले रिएक्शन देखिए, एनोड साइड में भी क्या बना था पी बी एस ओ फोर, और कैथोड साइड में भी क्या बना पी बी एस ओ फोर, तो ये क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे हो रहा है, ये मेरा एनोड था और ये मेरा कैथोड था, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरीके से बल्ब से होते हुए, तो बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है, तो ये जो सॉलिड बना पी बी एस ओ फोर इधर भी बना था उधर भी बना था, तो ये क्या होता है भाई, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा, समझे, और यहाँ पे भी बन रहा है पी बी एस ओ फोर, तो ये भी आपका ऐसे ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिटेल में बात करते हैं, कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखता हूँ भाई, कुछ थ्योरी लिखता हूँ। देखिए एज द लेड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज द लेड एसिड सेल डिस्चार्ज, यानी जब ये डिस्चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रिकल पावर एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, पी बी एस ओ फोर जिसको हम लोग लेड सल्फेट बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये एक तरीके से मतलब आउटपुट बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो ये आपका ओवरऑल लेंगे, यहाँ भी चिपक जाएगा इलेक्ट्रोड में, यहाँ पे भी चिपक जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या था, एच प्लस ऐसे टू एच प्लस के आयन्स थे, और एस ओ फोर माइनस माइनस एस ओ फोर माइनस माइनस ऐसे हम लोग का आयन्स फ्लोट कर रहा था इसमें, तो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई, और ये पूरा का पूरा मैं किधर लिख रहा हूँ, किस साइड का लिख रहा हूँ, एनोड साइड का लिख रहा हूँ भाई, एनोड साइड का पहले थ्योरी पढ़िए, ठीक है। तो सेल जैसे डिस्चार्ज हो रहा था एनोड पे, हम लोग का क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये फाइनल बना मेरा, ठीक है, पी बी एस ओ फोर, एनोड का फिर से लिख देता हूँ, लेड था सॉलिड, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके पी बी प्लस प्लस बना, है ना, और ये फिर पी बी प्लस प्लस क्या हो गया, सॉल्यूशन में आ गया यानी टूट के नीचे गिर गया सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या हो गया एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बन गया, पी वी एस ओ फोर बन गया, ठीक है, जो कि सॉलिड था। तो अब देखिए इधर क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा आयन्स के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर
H प्लस आयोन्स, ठीक है, H प्लस आयोन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज बीइंग, और इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन सा, इसमें पानी भी है और H2SO4 भी है, तो सिर्फ और सिर्फ H2SO4, पानी नहीं टूटेगा यहाँ पे, H2SO4, ठीक है, तो H प्लस के आयन जो आ रहे हैं H2SO4 से आ रहे हैं, ठीक है, इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है, वाटर एट द कैथोड, कैथोड पे आपने देखा वहां पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, है ना। अब देखिए एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ठीक है, सही है, पानी बन रहा है, H प्लस आयंस वहाँ पे चार H प्लस के आयंस हो गए ना एक तरीके से कंज्यूम, यानी अब देखिए इसके ऊपर फोकस कीजिए भाई, ये जो H प्लस के आयंस हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो फ्लोट हो रहे हैं, ये कहाँ पे एक तरीके से खपत हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एक तरीके से दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाने में यहाँ पे क्या हो गया, चार H प्लस के आयंस क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, है ना, कब, जब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, है ना, यानी एक ही एटम एक तरीके से, हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शन लिख रहे हैं सिंगल एटम के लिए लिख रहे हैं भाई, ठीक है, समझ में बात को, तो अगर मान लेते हैं इस तरीके का एक मोल अगर निकल गया, एक मोल अगर एक तरीके से निकला, इसका मतलब कितना सारे यहाँ पे पानी मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जब निकला है एनोड से कैथोड की तरफ, तो मेरा यहाँ पे क्या है एक तरीके से दो H2O, यानी दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, अगर मान लेते भाई एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना 2H2O डिवाइडेड बाय, मतलब वही यूनिटरी मेथड, अगर एक मोल निकल जाता है तो एक मोल के लिए कितना होता है यहाँ पे 6.022 × 10⁻³, इतना सारा पानी का एक तरीके से मॉलिक्यूल्स बन जाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें क्या हो रहा है, H प्लस प्लस के आयोन्स क्या हो रहे हैं, कमते चले जा रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहा है, समझे। और अगर H प्लस आयोन्स डिक्रीज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन होगा भाई, पहले कंसेंट्रेशन क्या होगा, SO4 जितना होगा उतना ही आपका 2H++ होगा, समझ रहे बात को, लेकिन ये H+ के आयंस क्या हो रहे हैं, एक तरीके से पानी बन जा रहे हैं, पानी बनाने में एक तरीके खपत हो जा रहे हैं ना। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर H2SO4 में से जो H+ का आयंस है वो एक तरीके से कमते चला जा रहा है, और अगर H+ का आयंस एक तरीके से कमते चला गया भाई, डिक्रीज होते चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले कैसे किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पानी लिया था, ठीक है, मान लेते 1 मोल ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ H2SO4 लिया था, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद मान लेते बैटरी आपने एक घंटा यूज़ किया, तो एक घंटा यूज़ करने का मतलब क्या है कि अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर H+ के आयंस बहुत सारे कम हो गए होंगे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ SO4-, है ना, समझे। तो ओवरऑल अगर आप अब कंपेयर करेंगे, अब इसका एक तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी तो अभी भी उतना ही है लेकिन पानी बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ये H++ आयंस क्या हो रहा है, पानी बनाते जा रहे हैं, नहीं H2O मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा, पहले 60% था, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे जो H2SO4 है उसमें से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ SO4 ही तो बचा, और SO4 भी एक तरीके से कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि SO4 क्या हो रहा है एक तरीके से आपका PB के साथ मिलकर के ये लेड सल्फेट बना ले रहा है, समझे। तो H2SO4 का जो यहाँ पे मात्रा है, जो कंसेंट्रेशन है भाई, वो डिक्रीज होते चला जाएगा, तो ओवरऑल जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, देख रहे हैं डिनोमिनेटर आपका बढ़ते चला जा रहा है और ये ऊपर में आपका घटते चला जाएगा, मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका गिरते चला जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गिरते चला जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा, यही हम लोग बोलते हैं भाई कि अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को पकड़ लिया ना, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फुल चार्ज में उसमें आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रहा है, मान लेते हैं आपका 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ठीक है, अब जो है पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो उस समय जब आप नापिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो जाएगा, और कितना यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं 1.18, इससे अगर कम हो गया, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है, इससे नीचे हम लोग जाने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, इतना भी डिस्चार्ज नहीं करना बैटरी की, मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे नीचे चला जाए, ओके। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा बैटरी एक तरीके से फुली चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
ओके, तो ओवरऑल क्या हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन हो रहा है, FeC को हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा H+ का आयन का जो कंसंट्रेशन वो एक तरीके से डिक्रीज होते चला जा रहा है। और आपको पता होगा एसिड एंड बेस पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो H+ का मतलब क्या होता है, ये pH वैल्यू को कम करता है, यानी एसिडिक होता है भाई। और क्योंकि आप देख रहे हो जो H+ आयन है पूरा का पूरा क्या हो रहा है, पानी बनाने में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट भाई थोड़ा सा लाइट आ गया, फैन ऑन करता हूं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस पूरे सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होगा, क्योंकि एच प्लस जो एसिड बना के रखा हुआ था ये तो कम गया ना, ये पानी में एक तरीके से चला गया, यूज हो गया, तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 7 से अगर आपका अधिक होता है पीएच वैल्यू, उसको हम लोग बेस लेते हैं, और 7 से कम होता है एसिडिक होगा। और आप देख रहे हैं एच प्लस के आयन्स ही क्या कर रहे थे, इसका पीएच वैल्यू एक तरीके से कम करके रख रहे थे, लेकिन एच प्लस के आयन्स अब क्या हो रहे हैं, पानी बनाने में एक तरीके से खपत हो जा रहे हैं, है ना। तो बचा क्या, ये पीएच वैल्यू इसका बढ़ जाएगा, यानी ये धीरे धीरे एसिडिक से बेस की तरफ भागेगा। क्लियर हो गया, तो वही कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स विल बी डिक्रीज ओवर टाइम, इट मीन कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस, कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा H2SO4 का, pH वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा डिस्चार्जिंग का केस था। अब हम लोग थोड़ा सा बुक के ऊपर आते हैं भाई, बुक में कहाँ पे इसने मिस्टेक किया है, मिस्टेक नहीं है एक तरीके से, आपको बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज कर देगा पूरे कॉन्सेप्ट को, एक तरीके से ये बिगाड़ देगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे भाई ये लिया है क्या, एनोड को बना लिया लेड ऑक्साइड, और कैथोड को इसने क्या मान लिया है, लेड मान लिया। हम लोगों ने इसे क्या लिया था, जस्ट अपोजिट लिया था। ओके, तो ओवरऑल देखिए ये जो हम लोगों ने मटेरियल यूज़ किया है, मैंने आपको बताया ना कि भाई ये जो है ये ज़्यादा ताकतवर है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई इसके पास इतना ताकत है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये समझाया, इससे इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। पूरा चीज़ सेम है, बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या कर लिया, एनोड का ये जो इलेक्ट्रोड है ना इसको चेंज कर दिया भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया तो सीधी सी बात है इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते 2 वोल्ट बना रहा है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे लेड लिया तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, मान लेते आपका 1 वोल्ट ही बना रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, आपका करंट हमेशा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है। ठीक है, तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन फ्लो होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग को भाई जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट गेन किया है, या फिर कहिए जो IUPAC, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है जो ये बोलेगा उसी हिसाब से लेकर के चलते हैं हम लोग। ठीक है, एनोड को हमेशा सेल के लिए हम लोग क्या लेना है, एक तरीके से नेगेटिव लेना है। इसका मतलब क्या, नेगेटिव कब होगा, कैसे इसको नेगेटिव लेंगे, वो इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, इस वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम हो, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या लेंगे, लेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, और इसको हम लोग को पॉजिटिव बनाना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग हमेशा लेड ऑक्साइड लेंगे, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा आएगा। क्लियर हो गया, अब ये बिल्कुल थ्योरी में बच्चे की तरह यहाँ पे लिखा हुआ जो हम लोगों ने समझा है। ओके, आगे आते हैं थोड़ा सा, ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा हो भाई, एनोड पे ऐसा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे ऐसा रिएक्शन, तो बुक पढ़िए भाई आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका ओवरऑल आंसर जो मैंने आपको समझाना, देखिए क्या बोल रहा है, एक चीज़ और समझिए, हम लोगों ने जब गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई, हम लोगों ने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक एक्सपेरिमेंट लिया था कि इसके अंदर मेरे पास एक जिंक का रड है, और जिंक के रड को मैंने CuSO4 में डाला हुआ है, CuSO4 में, है ना। तो ये जो CuSO4 है जब पानी में डालिए तो क्या हो जाएगा, Cu++ और SO4 -- आयन्स में टूटेंगे, और इसी के कारण क्या था, आपका जो ये कलर था लिक्विड का, सॉल्यूशन का, ये क्या था, ब्लूइश टाइप का था, है ना, याद होगा आपको। इसको कॉपर ले लीजिए भाई, ठीक है, और ओवरऑल क्या हो रहा था यहाँ पे, जब ये कॉपर एक तरीके से नीचे उतर रहे थे, मतलब तो यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था ना धीरे धीरे, जो सॉल्यूशन के अंदर ये जो Cu++ के आयन्स थे, ये क्या हो रहा था, एक तरीके से खपत हो रहा था। ये एक तरीके से क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर जा रहा था, ये Cu बन जा रहा था, यानी सॉल्यूशन के अंदर से क्या हो रहा है, आपका कॉपर के आयन्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन घटते चला जा रहा है। तो ओवरऑल इस पूरे सॉल्यूशन का जो कलर था, ब्लूइश कलर, किसके कारण था, इसी आयन्स के कारण था। अब ये सॉल्यूशन में एक तरीके से आयन्स है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कलर हुआ कैसा होगा, व्हाइटिश कलर का हो गया था, यानी कलरलेस हो गया था, एक तरीके से फेड हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा भाई, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि जो मेरा एनोड है जिसको मैंने यहाँ पे प्योर लेड लिया हुआ है, और इधर मेरा कैथोड था जिसको मैंने लेड ऑक्साइड लिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर, इस यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन कारण क्या हो रहा है, ये लेड सल्फेट बन जा रहा है, इधर भी क्या हो रहा है,
रिडक्शन कारण क्या हो रहा है, ये भी आपका लेड सल्फेट बन जा रहा है ना, तो ओवरऑल ये ऐसे ऐसे चिपकते जा रहा है। इसका मतलब क्या, आपका जो इलेक्ट्रोड का कलर होगा, पहले जब ये बिल्कुल नया था उस समय कैसा था, लेड का कलर था, ठीक है, लेड था ना ये, इसका पहले इसने लिखा था, ठीक है, जो भी है भाई, एक चॉकलेट ब्राउन था और एक आपका ग्रे था, तो कलर क्या होगा दोनों का, एक तरीके से चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ, बोथ प्लेट आर कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट, क्योंकि दोनों पे आप देख रहे हैं लेड सल्फेट ही एक तरीके से बन रहा है और ये डिपॉजिट होते चला जा रहा है। तो ये बोल रहा है एनोड और कैथोड क्या होगा, लेड सल्फेट से पूरा कवर हो जाएगा, विच इज व्हाइटिश इन कलर, यानी दोनों इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, एक चॉकलेट ब्राउन था और एक ग्रे था, तो दोनों क्या हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बोलता है, यहाँ पे पानी बन रहा था ना, वॉटर इज फॉर्म विच लोअर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अभी जस्ट समझाया मैंने आपको, When the cell is fully discharged, ठीक है, the specific gravity of H2SO4 fall about, कितना गिर जाता है, 1.18 रह जाता है, ठीक है। आगे बोलता है, the EMF of the cell falls, सीधी सी बात है, potential भी गिरेगा, the lead acid cell should not be discharged beyond the point where its EMF fall about 1.8 volt, देखिए ये जो हम लोगों ने लेड एसिड बैटरी बनाया ना, इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था, ये जो सेल हम लोगों ने बनाया भाई, सेल का हम लोगों ने ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया था, ये भी मैंने आपको बताया था, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला था हम लोगों ने, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिया था इलेक्ट्रोड का, ये था आपका कैथोड का, ठीक है, पोटेंशियल इसको हम लोग स्टैंडर्ड लेके चल रहे थे, किस साइड का, कैथोड का, ई का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये दोनों क्या था, IUPAC के हिसाब से ये रिडक्शन पोटेंशियल था दोनों के लिए, ये भी रिडक्शन होना चाहिए, ये भी रिडक्शन होना चाहिए, ओके। तो दोनों को अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे आपका 2 वोल्ट आता है लेड सेल में, मैक्सिमम एक सेल अगर आप इस तरीके से बना रहे तो उसके चलते 2 वोल्ट आता भाई, ठीक है, सुन मैं तो बोल रहा है कि अगर आपका सेल यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका वोल्टेज कितना डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए भाई, 1 आ गया भाई, ये नहीं, यहाँ पे देखें 1.18 वोल्ट से आपका नीचे नहीं जाना चाहिए वोल्टेज, ओके। वो अगर डिस्चार्ज हो गया ना तो फिर आपका फिर से वो ऑटोमेटिक इन्वर्टर पे आपका लोड नहीं उठा पाएगा, वो चार्ज ही नहीं होगा, फिर आपको बुलाना पड़ेगा, वहाँ पे जो मैकेनिक्स होता है, इंजीनियर ऐसा होता है, बुलाना पड़ेगा, तब जाके आपका सही होगा। आगे बोलता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें देख रहे हैं रिएक्शन कारण हम लोग का ये हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईएमएफ ऑफ द सेल प्रोवाइड लिटिल इंडिकेशन टू स्टेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द सेल सिंस इट रिमेन्स, कितना रहता है आपका 2 वोल्ट फॉर 90% ऑफ डिस्चार्ज, मतलब 90% तक ही डिस्चार्ज करना, कभी भी 100% तक डिस्चार्ज नहीं करना, 100% डिस्चार्ज करें इसका मतलब क्या, आपका फिर इसे नीचे चला जाएगा। बोल रहा है, इन प्रैक्टिस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि H2SO4 है इज यूज टू नो द स्टेट ऑफ डिस्चार्ज, अभी जस्ट समझाया है ना, इतना आगे इसका मतलब डिस्चार्ज, द सेल शुड बी रिचार्ज व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 फॉल अबाउट 1.18, समझे, इससे अगर नीचे चला गया फिर इस पे है तो आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। और जो आपके घर में इंजीनियर ऐसे आएंगे बैटरी को चेक करने के लिए, वो भाई यही सबसे पहले तो यही स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरीके से उसका जो ऊपर में कैप लगाता है उसको खोल करके वो पहले चेक करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चल जाता है बैटरी एक तरीके से फुल्ली डिस्चार्ज है या फिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे बोल रहा है भाई चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग के दौरान क्या केमिकल रिएक्शन होता है इसके बारे में, तो इसके ऊपर भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, 50 मिनट प्लस चला गया, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा का पूरा ये लेड एसिड सेल ख़त्म हो जाएगा, कैसे हम लोग फिर से अपने केमिकल रिएक्शन को बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके चार्ज करता है फिर रिस्टोर करता है उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने लेड एसिड सेल के बारे में बात किया था और हम लोगों ने डिस्चार्जिंग के अंदर किस तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा था भाई उस पर हम लोगों ने बात किया है ना। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पूरा का पूरा सेल डिस्चार्ज हो गया है तो उसको हम लोग फिर से कैसे रिचार्ज करेंगे, ओके, और रिचार्जिंग के दौरान एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से अंदर में क्या केमिकल रिएक्शन होता है उस पर हम लोग एक तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको समझ लीजिए आप, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था ऑलरेडी कि अगर आप एक लेड एसिड सेल बनाएंगे ओके, तो इसका जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, 2 वोल्ट होता है, ठीक है, यानी ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का रिडक्शन में हमेशा माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, एनोड का, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है लेकिन उसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है, ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, 2 वोल्ट होता है। तो इस तरीके का अगर आप
छह सेल बनाते हैं, ठीक है, और छह सेल को पूरा का पूरा सीरीज में जोड़ देंगे। जैसे ये मान लेते हैं एक सेल हुआ, है ना, अपने आप में ये एक सेल हुआ, दूसरा आपका ये 1 2 3 4 5 6, और हर एक सेल के चलते क्या हो रहा है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ देंगे भाई सीरीज में अगर, तो आपको टोटल वोल्टेज कितना मिल जाएगा, एक सेल के चलते 2 वोल्ट है, तो इस तरीके के मेरे पास 6 सेल हैं तो वोल्ट कितना 12 वोल्ट मिल जाएगा, क्लियर हुआ। और ये 12 वोल्ट का जो बैटरी बनता है लेड एसिड सेल, ये कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, अपने कार में यूज़ करते हैं, बैटरी में यूज़ करते हैं, है ना, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके इसमें पैरेलल में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में लगाने से आपका बैटरी का जो है ताकत और बढ़ जाएगा, यानी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ओके, तो लेड एसिड सेल कैसे हम लोग बनाते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे भाई। पहले हम लोग एक लेड एसिड सेल के अंदर क्या क्या एक तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है डिस्चार्जिंग के टाइम में और रिचार्जिंग के टाइम में, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिस्चार्जिंग वाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, आज आपका जो है रिचार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा भाई, ठीक है। रिचार्ज कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए क्या बोल रहा है। कंसीडर अ डिस्चार्ज लेड एसिड सेल हैविंग बोथ द प्लेट कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट, ठीक है, दोनों पे आपका लेड सल्फेट जम गया है। इन ऑर्डर टू रिचार्ज द सेल डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सेल, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे डीसी, क्योंकि भाई यहाँ पे सेम प्रोसेस को क्या करना है, रिवर्स करना, यानी ये अब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस चल रहा है एक तरीके से, और हमेशा आपको दिमाग में रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई चाहिए होता है। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बुक में, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमेशा डीसी, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमेशा डीसी, मेटल रिफाइनिंग के लिए हमेशा डीसी, क्यों, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रोलाइसिस का ही एक तरीके से एप्लीकेशन है। तो ही बोलता है इन ऑर्डर टू रिचार्ज द सेल द डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सेल इन द रिवर्स डायरेक्शन टू दैट इन विच द सेल प्रोवाइडेड करंट, यानी जिस डायरेक्शन में सेल प्रोवाइड किया था जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा भाई बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को। बोलता है टू डू सो द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अब देखिए हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं भाई, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और अब हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से चलेंगे, फिर न्यू पेज पे आ जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट गेन करने के बाद वापस से हम लोग आएंगे। देखिए सबसे पहला है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, हम लोगों ने जो डिस्चार्जिंग पढ़ा था तो डिस्चार्जिंग क्या था, वो स्पॉन्टेनियस था भाई। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या, अपने आप केमिकल रिएक्शन हुआ, सर्किट जैसे कंप्लीट हुआ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग क्या था आपका, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है, अपने आप केमिकल रिएक्शन हो रहा था। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, रीचार्जिंग, ठीक है, रीचार्जिंग, तो क्या होगा आपका, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी ये अपने आप नहीं होगा, आपको यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में एक तरीके से चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी केमिकल को फिर से हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी दे करके। तो पहला लाइन आपको याद रखना है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। आगे बोलता है इट रिक्वायर एन इनपुट, देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि ये जो लेड एसिड सेल है ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना बना पाता है, 2 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्चार्ज वाला केस ले लेता हूँ, डिस्चार्ज यानी जब ये पावर दे रहा था भाई आपको, ये एनोड था लेड का हम लोगों ने बनाया था, ये कैथोड था इसको हम लोगों ने लेड ऑक्साइड का बनाया था, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों ने बल्ब लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और कैथोड की तरफ जा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन से, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये क्या है, जब हम लोग का डिस्चार्ज हो रहा था इसमें स्पॉन्टेनियस अपने आप रिएक्शन हो रहा था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होते जा रहा था और ये मेरा बल्ब एक तरीके से ग्लो होते चला जा रहा था। ओके, अभी हम लोग इसी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हम लोग बैटरी देंगे भाई, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये बल्ब को हटा देंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
ये सब हटा देते हैं, करंट का डायरेक्शन ये सब हटा देते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस बस आप याद कीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या था कि एनोड को हम लोग हमेशा पॉजिटिव टर्म से जोड़ रहे थे और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ रहे थे। इसका मतलब क्या, एनोड मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिए भाई, ध्यान समझिए, जब ये डिस्चार्ज हो रहा था यानी जब लोड को ये सप्लाई कर रहा था तो उस समय करंट मेरा ऐसे बह रहा था, यानी उस समय क्या था, कैथोड मेरा पॉजिटिव था यानी हायर पोटेंशियल था, एनोड मेरा नेगेटिव था, ठीक है। लेकिन अब मेरे को केमिकल रिएक्शन फिर से इसमें रीस्टोर करना है, फिर से उस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो क्या करना होगा, पहले अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो अब मेरे को करंट क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो वही आपके बुक में लिखा हुआ है कि मेरे को यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होना करवाना पड़ेगा। रिवर्स डायरेक्शन में करंट कब फ्लो होगा, जब आप इस तरीके से बैटरी को जोड़ देंगे, एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से। क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इधर आपका कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे और देखते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, ये जो सेल है यहाँ पे जो आपने एक बैटरी लगाया है, इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होना चाहिए भाई, मैक्सिमम जो पोटेंशियल होना चाहिए 2 वोल्ट से थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए, समझे। 2 वोल्ट के बराबर नहीं, 2 वोल्ट के बराबर में आपके इधर से करंट फ्लो होगा ही नहीं, समझे। 2 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, आपका करंट इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो होगा, समझ में आया। और क्यों स्लाइटली रख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है भाई आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैक इनटू द, और इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा इसमें। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, ओके। सबसे पहले यहाँ पे कैथोड की बात करते हैं भाई, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, तो लिखा हुआ है, या फिर ये सब लिखना कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। और जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, तो एनोड से स्टार्ट करेंगे, एनोड या कैथोड किसी से भी लिखेंगे, देखिए होगा क्या यहाँ पे, फिर थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि क्योंकि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे ये अब लेड नहीं है, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, ये लेड नहीं है, अब ये क्या है आपका, लेड सल्फेट बना हुआ है यहाँ पे, ये लेड सल्फेट बना हुआ है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये आपका लेड ऑक्साइड नहीं है, ये भी आपका लेड सल्फेट बना हुआ है, ओके, सॉरी SO4। तो वो देखें, एनोड पर लिख रहा हूँ मैं, एनोड पे पहले लिखते हैं क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एट एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मेरा एक तरीके से लेड सल्फेट जो कि सॉलिड का पार्ट है भाई, है ना, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले त्यागेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या हो जाएगा, देखिए पहले पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, उसको समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे स्पेस नहीं है, उसको और थोड़ा सा उधर लेके चलते हैं हम लोग, छोटा करता हूँ, देखिए लेड सल्फेट जो कि सॉलिड था, पहले रिएक्शन लिखता हूँ, इसको समझा देता हूँ, इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, ओके, और ये बनेगा आपका, एक मिनट भाई थोड़ा सा लाइट बंद करना पड़ेगा, देख इसने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट किया, अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड, ओके, साथ ही साथ प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ, ये इधर साइड कर लेते हैं, प्लस H प्लस के 4 आयोन्स एक्वस यानी सॉल्यूशन में चले जाएंगे, प्लस SO4 माइनस 2 ये भी एक्वस में चला यानी सॉल्यूशन में चला जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या हुआ, हुआ क्या भाई, रिवर्स करना, जो आपने वहाँ पे रिएक्शन किया वही रिवर्स किया। पहले हम लोग को डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या मिला था, लेड सल्फेट और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले थे, दोनों आपस में जुड़े, देखिए क्या होगा, फिर से ब्रेकडाउन होगा सेम तरीके से। यहाँ से अगर आप देखें
ऐसे समझिए ना, देखिए भाई ऐसे समझिए, ये जो हम लोगों ने बात किया था ऑलरेडी 4H मतलब 4 हाइड्रोजन के आयोन्स, और ये जो आपका लेड ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है दो, ये दोनों मिलकर क्या बना हुआ था, पानी मिला बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना हुआ था, है ना, लिक्विड स्टेट में। और तो वही है कि ये जो है भाई, इसमें से देखिए, इसमें से क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन के आयोन्स निकल गए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 × 4, तो 4 हाइड्रोजन तो निकल गए, और बचा क्या यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ, तो 2 ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, जो बचा हुआ है किसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे आकर जुड़ गया, यानी वाटर का एक तरीके से यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पानी से भाई, पानी से आपका 4 हाइड्रोजन के आयोन्स निकल गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और जो 2 ऑक्सीजन बचा हुआ था ये यहाँ पे लिख दिया, समझे। अब देखिए ये 2 ऑक्सीजन किसके साथ जाके जुड़ा हुआ है, लेड के साथ जुड़ा हुआ है। पहले लेड किसके साथ जुड़ा हुआ था, लेड सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, तो भाई ये सल्फेट SO4 को हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, तो SO4 जब यहाँ से टूटेगा तो SO4 किस में आ जाएगा, टूटेगा, तो इसका मतलब क्या, SO4 2- यहाँ पे निकल जाएगा, यानी एक्वस में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो प्रोसेस हुआ था, ये प्रोसेस कैसे हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई PB के ऊपर +4 पावर था ना, समझ में आया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल गया, क्लियर हो गया भाई। इसको आप सोचिए, आराम से सोचिए, लास्ट वाले सेशन बना हुआ बहुत डिटेल में बताया। तो ये हो गया आपका फिर से जो है लेड सल्फेट, और जो वाटर बना हुआ था वो फिर से ब्रेक डाउन होकर क्या हो गया, एक तरीके से ये बन गया लेड ऑक्साइड। ओके, और ठीक है, सही है। ओके, लेड ऑक्साइड बन गया, और एक इलेक्ट्रोड मेरे को चाहिए भी लेड ऑक्साइड, और दूसरा जो है आपका इसके अंदर H+ आयोन्स आ गए जो पहले कम हो गए थे, ठीक है, उसके बाद फिर SO4 नेगेटिव भी आ गया, है ना, समझे। और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया होता वापस से क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब हम आते हैं आगे अपोजिट साइड में देखते हैं भाई, ठीक है, यानी एनोड की, एनोड हो गया, हम लोग कैथोड की बात करते हैं, कैथोड की बात करते हैं। देखिए कैथोड साइड में भी क्या था, मेरा लेड सल्फेट था, PbSO4 सॉलिड था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ क्या होगा, वापस बैटरी को खींच के लेके जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर में एनोड का लिखा मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, यानी कैसे जुड़ा हुआ है, तो लेड के ऊपर प्लस टू होगा, और SO4 के ऊपर आपका -2 चार्ज होगा, है ना, ये +2 और ये दोनों जुड़ करके PbSO4 बना हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, तो ये क्या करेगा भाई, सबसे पहले देखिए इसको आप सोचिए, इसको मान लेते हैं यहाँ से मैंने निकाल लिया, यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया भाई, इसको जैसे निकालूंगा तो इसके ऊपर कितना पावर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ +2, तो +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, यानी PB सॉलिड बन जाएगा ये, समझे। और उसके बाद ये क्या बचा है, +SO4 नेगेटिव एक्वस में चला जाएगा ये आपका, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ओवरऑल इस साइड में क्या था आपका, एक इलेक्ट्रोड मेरा लेड था, है ना भाई, एक इलेक्ट्रोड प्योर लेड था, लेड मिल गया हम लोग को, और दूसरा जो था आपका क्या था, लेड ऑक्साइड था, यानी PbO2 मिल गया हम लोग को। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये फिर से रिचार्ज हो, यानी फिर से अपने पुराने स्टेट में, इसका कलर भी वही आ जाएगा, ये आपका जो ब्राउन था या ग्रे था, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, और फिर से अपने पुराने पोजिशन में रीस्टोर हो जाएगा। ओके, मेन आपका डिस्चार्जिंग था वो समझ में आ गया होगा, तो ये भी समझ में आ गया। और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं भाई, थ्योरी क्या क्या रहेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बैटरी कनेक्ट कर बता दिया, एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड आपका नेगेटिव होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या बचा, और ये जो चिपका हुआ था यहाँ पे PbSO4, यहाँ से क्या हो रहा है, फिर से ब्रेक डाउन होकर फिर से क्या हो जाएगा, अपने पुराने स्टेट में आ जाएगा। ओके, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे वापस से ओवरऑल अगर हमने यहाँ पे समरी ले तो क्या हो रहा है, जो H+ के आयोन्स है, ठीक है, H+ के आयोन से फिर से क्या हो रहे हैं, पानी में आ जा रहे हैं, है ना, वाटर में फिर से आ जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। उसके बाद क्या है, ठीक है, रिचार्जिंग एलईडी एसिड एंड बैटरी रिक्वायर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हम लोगों ने बता दिया ओवर चार्जिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डालना भाई, अगर आप बैटरी को ओवर चार्ज करते हैं, ठीक है, बैटरी को अगर आपने ओवर चार्ज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरचार्ज होने से क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा बनेगा भाई,
ठीक है, एक तो पानी बहुत ज़्यादा बनेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज करने का मतलब क्या है कि ये जो वाटर है, ठीक है, जो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ है, जो वाटर है भाई, इस वाटर का भी एक तरह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं। रिचार्जिंग में देख रहे हैं, एक्सटर्नल हम लोगों ने पावर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी चांस है एक तरीके से ब्रेकडाउन हो जाने का। और अगर पानी ब्रेकडाउन किया आपने, तो मैंने आपको बताया था पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, पानी हमेशा क्या होता है, H2 प्लस O2 में, यानी हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे अपने बैटरी को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक तरीके से फॉर्म होगा, और गैस हमेशा क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ओके, तो वही लिखा हुआ है, द बबल्स ऑफ, देखिए क्या बोल रहा है, ओवर चार्जिंग अ बैटरी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। बोलते हैं द बबल्स ऑफ गैस, जैसे आप मान लेते हैं भाई, बबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए नदी में जाइए, और नदी में आप पानी के अंदर पूरा गर्दन डाल लीजिए, ठीक है, और अगर आप अपने अंदर से सांस छोड़िएगा ना, से ऐसे सांस छोड़िएगा, तो पूरा का पूरा जो सांस है वो क्या है, गैस है एक तरीके से, है ना भाई, आपने जो एयर इनटेक किया, एयर के मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो जब आप अपना सांस छोड़िएगा तो वो बबल्स के रूप में ऊपर की तरफ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर H2O का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी अगर टूट गया H2 और O2 गैस में, तो क्या होगा, बुलबुले के रूप में ऐसे ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा, है ना, समझ रहे बात को। या फिर अगर आपने एक्वेरियम देखा हो, एक्वेरियम में हम लोग जो ऑक्सीजन लगाते हैं भाई, ऑक्सीजन मोटर लगाते हैं ना यहाँ पे, वो ऑक्सीजन जाता है, देखते कैसे बबल्स की तरह ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो उसको आपको इमेजिन करना। तो वही बोला, द बबल्स ऑफ गैस डिग्रेड्स द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड का सर्फेस है उसको एक तरह डैमेज करेगा, काउजिंग द PbSO4 टू फॉल ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी जब ये डिस्चार्ज हो रहा था, तो डिस्चार्ज के टाइम में देख रहे थे यहाँ पे लेयर चढ़ रहा था PbSO4 का, तो अगर इसका सरफेस ख़राब हो गया, तो यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा PbSO4 नहीं जमा हो पाएगा, इसका मतलब क्या, आप इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं ले पाएंगे, आपका सरफेस डैमेज हो गया तो ये चिपक ही नहीं पाएगा, बार बार नीचे गिरते चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो बैटरी का एक तरीके से स्ट्रेंथ है भाई, या फिर जो कैपेसिटी है, वो एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग था लेड एसिड बैटरी को लेकर के। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो भाई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, लेड एसिड सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ओके, और कुछ है थ्योरी देख लेते हैं, ये सब तो मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी। ओके, तो ये आपका ओवरऑल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग को लेकर के, ठीक है, चार्ज कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, पॉजिटिव प्लेट इस कन्वर्टिंग होता है नेगेटिव प्लेट, ठीक है, फिर से आपका क्या हुआ, PB मतलब लेड ऑक्साइड में बन जाएगा और वो लेड में बन जाएगा। H2SO4 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिर से जो H2SO4 यानी H+ के आयन्स खत्म हो गए, तो फिर से क्या हुआ, H2SO4 बन जाएगा। देयरफॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। When the cell is fully charged, the specific gravity of H2SO4 is about to 1.28, ठीक है, 1.28, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.18 से नीचे नहीं जाना चाहिए। आगे बोलता है तो EMF सेल जो है वो भी राइज हो जाएगा, जैसे ही फुली चार्ज होगा तो उसका सेल कितना, सेल वोल्ट कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। आगे बोलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड जो आपने दिया वो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फिर से रिस्टोर हो गया। ओके, आगे बोलता है, नोट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रिवर्सिबल इक्वेशन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है मेरा लेड ऑक्साइड, ठीक है, और ये H2SO4, और ये मेरा मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, दोनों में डूबा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका भाई, है ना, जब हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा तो उसमें बताया था, इधर हम लोग एनोड को लिखेंगे, इधर हम लोग कैथोड को लिखेंगे बीच में, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है दोनों इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग बोल रहे थे ब्रिज, साल्ट ब्रिज, वहाँ पे हम लोग डबल लाइन दिखाते थे, लेकिन ये किस किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, H2SO4 के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ लीड एसिड सेल, इसको कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और जल्दी ये टॉपिक आपका खत्म होने वाला भाई, पूरा थ्योरी है आपका।